दोस्तों, बंदर शरारती स्वभाव के होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बंदर के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ शरारती ही नहीं बल्कि बहुत गुस्सैल और खूंखार भी था, जिस वजह से पहला एक ऐसा बंदर बना जिसे उम्र कैद की सजा सुनानी पड़ी। अगर आपको भी इस खतरनाक बंदर के बारे में जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, इस बंदर का नाम कलुआ है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में रहता है। कलुआ बंदर किसी से भी नहीं डरता था और वह बिना किसी वजह के किसी पर भी हमला कर देता था। मिर्जापुर में इसका आतंक फैला हुआ था। आपको बता दें, कलुआ खतरनाक होने के साथ साथ आम बंदरों से अलग था। दूसरों पर हमला करने के साथ ही इसमें शराब पीने और मांस खाने की बुरी आदतें भी थीं। कलुआ के बारे में लोगों का कहना है कि इसे बचपन से ही एक तांत्रिक ने पाला था और वह इसे रोज खाने के लिए शराब मांस देता था। लेकिन जब तांत्रिक की मौत हो गई तो कलुआ अकेला पड़ गया और उसे शराब और मांस नहीं मिलने की वजह से वह ज़्यादा गुस्सैल हो गया, जिसके बाद कलुआ ने मिर्जापुर शहर में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया और लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। कलुआ ने अब तक 250 से ज़्यादा लोगों को जख्मी किया था, जिसमें से एक की मौत भी हो चुकी थी। बहुत सी बच्चियों के चेहरे को तो कलुआ ने इतनी बुरी तरह जख्मी किया था कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी थी। जब शहर में कलुआ का आतंक बहुत ज़्यादा फैलने लगा तो इसे पकड़ने के लिए वन विभाग को बुलाया गया, लेकिन वन विभाग वाले इसे पकड़ने नहीं पा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक कलुआ ने एक बंदरिया को अपनी रखवाली के लिए रखा था, जो कुछ भी खतरा महसूस होने पर कलुआ को सूचना दे देती थी। हालांकि काफ़ी मेहनत के बाद वन विभाग ने कलुआ को पकड़ लिया और उसे पिंजरे में डाल दिया। इसके बाद कुछ महीने तक पिंजरे में इसकी हरकतों को देखा गया और उसे सुधारने का कोशिश की गई, लेकिन उसकी हरकतों में कुछ भी बदलाव नहीं आया, जिसकी वजह से पिंजरे में कलुआ को 3 साल बीत गए, लेकिन फिर भी उसकी हरकतें बिल्कुल भी वह नहीं बदली। वह अभी भी लोगों को काटने के लिए दौड़ता था और दूसरे बंदरों के साथ रखने पर उनसे भी मारपीट करने लगता था। कलुआ की हरकतों में बदलाव न आने के कारण अधिकारियों ने इसे पूरी उम्र कारावास में ही रहने का फैसला किया, क्योंकि बाहर छोड़ने पर यह फिर से लोगों पर हमला करने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।